शूटिंग का आज आखिरी दिन था या है, शूटिंग खत्म हो चुकी है, सारा पार्टी का मूड है क्योंकि मैं यंगस्टर्स को हो या जो भी एक्टर हो पूरी यूनिट को लास्ट दिन पे अपनी तरफ से एक पार्टी देता हूँ। तो अब क्योंकि इस वेब सीरीज में ज्यादा से ज्यादा यंग टैलेंट है, वो लोग की प्लानिंग चल रही है कि किस टाइप से सेलिब्रेट, किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि सब कुछ अच्छा हुआ है, टाइम पे हुआ है, इनफैक्ट एक दिन पहले ही हो गया है टाइम पे हमारा शेड्यूल ख़त्म। बहुत अच्छी बात है, ये शेड्यूल वक्त से पहले ख़त्म होना बताता है कि सारी यूनिट एक्टर्स का योगदान कितना ज़्यादा और कितना सच्चा योगदान रहा है, जिसके वजह से हम बिफोर टाइम शेड्यूल ख़त्म कंप्लीट करना अचीव कर पाए हैं। आज सीजन वन की शूटिंग का आखिरी दिन है और साथ साथ पोस्ट प्रोडक्शन तो चल ही रहा है, चलता है जैसे शूटिंग के शेड्यूल के दौरान भी। अब तैयारी रहेगी सीजन टू की। वैसे लास्ट में बात हुई थी हमारी कि क्या है फिल्म, क्या क्या सही की कहानी है, इसमें क्या कहानी है बता दो लाइन में। तो हर एपिसोड की नई कहानी होती है ना, कॉमेडी है ना, तो एपिसोड में कहानी शुरू होती है, एपिसोड के एंड में कहानी खत्म हो जाती है। आर्टिस्ट वही रहते हैं, लोकेशन वही रहती है, अपना अपना किरदार वही रहता है, बस हाथ से मुद्दे बदलते हैं। तो कॉमेडी वल्गर कॉमेडी है, किस तरह की कॉमेडी है ये? नहीं तो पहले भी बता चुका, क्लीन फैमिली एंटरटेनमेंट है, इसमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म की अश्लीलता आपको नजर नहीं आएगी, ना हरकतों में, ना डायलॉग में, ना निगाहों में, ना कपड़ों में। बहुत ज़्यादा एहतराम किया है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि हर चीज़ साफ सुथरी होनी चाहिए और छोटे बच्चे से बड़े बुजुर्ग को देखते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए या ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए। लेकिन सर जैसे फिल्म देखी थी आपकी लव स्टोरी, उसमें तो दिखाया था कुछ कहीं चीजें थी, वेब सीरीज में आज तो लोग दिखा रहे हैं, तो चाह रहे वेब सीरीज में लोग खुलेआम दिखाए, सब कुछ दिखाए, वहाँ कोई सेंसर बोर्ड भी नहीं, फिर भी आपने इस तरह क्यों चुना कि ये चुने? देखिए जो लव शॉर्ट्स फिल्म थी वो जो दिखाया था उसमें वो कहानी की डिमांड थी, और अगर आप दोबारा से गौर करेंगे तो स्टार्टिंग के 20 मिनट के बाद उसके अंदर फिर जो भी अडल्ट कंटेंट था या बोल्ड कंटेंट था वो नहीं था। लव शॉर्ट्स एक अडल्ट कहानी थी, अडल्ट थीम थी, तो वो एक अलग जॉनर था, उसको उससे और इसको कंपेयर करना बहुत मुश्किल तो नहीं, इम्पॉसिबल है। ये अतरंगी ऑफिस प्योर फैमिली एंटरटेनमेंट है, क्लीन एंटरटेनमेंट है, बच्चे बुजुर्ग बड़े सब देख सकें, मिल के देख सकें, एक साथ बैठकर देख सकें। बाकी जो माहौल चल रहा है, दूसरे लोग क्या करते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी समझ है, जो जैसे कर रहा है कुछ सोच कर ही कर रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे ज़्यादा गुणवान है, तो मैं किसी भी बोलने के ना काबिल नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं कि मैं किसी के बारे में टिप्पणी दूँ या कुछ बोलूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और जो मुझे योगदान मिला है टेक्निकल क्रू और आर्टिस्ट के लिए, उनके लिए मैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजार रहूँगा। तो कोई ऐसी अतरंगी बातें हुई इन शूटिंग के दौरान, कुछ ऐसी बातें हुई हो? हाँ, प्रैंक्स जिसे कहते हैं, मजाक तो होते ही रहते हैं और होना भी चाहिए, हंस खेल के ही काम होता है। एक बार मैंने है ना हमारे डीओपी साहब से, डीओपी साहब को कॉन्फिडेंस में लेके ये बात सेट पे फैला दी थी कि किसी वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो मैं लेट हो जाऊँगा आने में, तो ताकि टाइम वेस्ट ना हो तो मैं फ़ोन पे डायरेक्ट कर दूँगा। तो सब आर्टिस्ट को तैयार कर दिया गया है और जितने भी आर्टिस्ट थे आए, उन्होंने डीओपी साहब ऐसे फ़ोन पकड़ के रखे थे जिससे उनकी मुझसे बातचीत हो रही है, और बार बार वो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि मुझे शूटिंग दिखा रहे हैं अपने कैमरे पर, और लोग आए पूरा किरदार करें और बड़ी सीरियसली की। फिर मैंने दो चार रीटेक भी मांगे, कुछ ये वो कहा, थोड़ी इनका परफॉर्मेंस ऐसे नहीं है, उनका नहीं है, ये ठीक करो वो ठीक करो, और बाद में सबको पता चला कि कैमरा ऑफ है और ये सारा है ना एक बहुत बड़ा जोक था। अतरंगी थी ये भी एक अतरंगी ऑफिस के अतरंगी डायरेक्टर का अतरंगी जोक था, लेकिन
सब हंसे, बहुत मजा आया। आपको ऐसी बात में जो कभी किसी आर्टिस्ट को लेट आया हो या कुछ हुआ हो, आर्टिस्ट से कुछ प्रैंक किए हो आप? देखिए लेट कोई नहीं आया क्योंकि हमने शेड्यूलिंग बहुत अच्छी करी है कि सारे आर्टिस्ट को एक साथ बुला के मतलब नहीं बनता, क्योंकि तैयार होने में टाइम लगता है। तो दो दो तीन तीन आर्टिस्ट, एक एक दो दो, जैसे जैसे आर्टिस्ट आते हैं उनके सीन करो, तो ये शेड्यूलिंग में अगर आप ध्यान से करो तो काम टाइम पे हो जाता है। बाकी कोई इक्का दुक्का कभी लेट हो गया, बॉम्बे शहर है, बारिश का वक्त है, सुविधाएं भी कम है, पहले जैसी नहीं है, तो अगर कोई थोड़ा बहुत लेट हो गया तो परिवार है ये, अतरंगी ऑफिस का हर इंसान मेरा परिवार है, हमारा परिवार है, प्रोड्यूसर का परिवार है, प्रोड्यूसर मेरा परिवार है, प्रोड्यूसर के परिवार में जैसे कास्ट एंड क्रू उनका मैं हिस्सा हूँ, तो ये कोई बातें हैं तो ठीक है, ये नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं, इनमें कोई बात नहीं है। और जो आप हादसा कर रहे थे तो एक दिल को छूने वाली बात ये थी कि हमारे एक एक्टर हैं जिनके पैर में कट गए और 9 टांके आए हैं, उसमें भी वो आए हैं शूट करने के लिए, तो एक दिन वो आए और पता नहीं क्या मिसकम्युनिकेशन हो गया, पूरा दिन बैठे रहे, तो शाम में उन्होंने आखिर पूछ ही लिया कि मेरा काम कब होगा, तो पता चला कि उनका काम ही नहीं था, बस उन्होंने बहुत ही बाइज्जत शांति से चले गए, उसके लिए भी शुक्रिया है। बुरा लगा कि वो तकलीफ में आ रहे थे, तो तकलीफ में एक और दिन जब काम नहीं था आना पड़ा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उनको पता है मुझको पता है, तो मेरी तरफ से उनके लिए थैंक यू। अच्छा आज लाज भी चल रहा है शूटिंग का, पुरुष काम भी चल रहा है, सब चल रहा है, कब तक लोग देख पाएंगे OTT प्लेटफॉर्म पर, किस पर देख पाएंगे ये पता है मैं फिर भी बता दो। OTT प्लेटफॉर्म का नाम है मूवीज हाथ में सिनेमा हॉल, ये शुरू किया है रुपेश कुमार सिंह जी ने, ये अतरंगी ऑफिस को प्रोड्यूस किया है मुकेश सिंह जी ने, मैं पृथ्वीराज ओबरॉय इसको लिख रहा हूँ और डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए 1.5 महीने के अंदर, तो मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, कोशिश करेंगे इससे पहले भी आ जाएं, बट रिलीज के एग्जैक्ट क्या प्लान्स हैं मैंने रुपेश जी या मुकेश जी से भी बात नहीं करी है, दोनों छोटे भाई जैसे हैं, क्या उनसे पूछूं मैं, उनके जो प्लान होगा, मैं ज़्यादा क्रिएटिविटी में और क्रिएटिव कामों में गुजार रहता हूँ, मसरूफ़ रहता हूँ, तो एक्चुअली नहीं पूछा है, लेकिन किसी किस्म से डिले होने का कोई कारण या कोई इनकी मंशा नज़र नहीं आती है, फटाफट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले 60 से 75 दिन में दूसरा सीजन भी रिलीज करना है जो ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया है मैंने। चलिए एक फिल्म लिखी है और मैं उसका क्रिएटिव डायरेक्टर भी हूँ, वो पोस्ट प्रोडक्शन में है, मेरे ख्याल से वो 20-21 दिन में रिलीज़ हो जानी चाहिए, वो भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए है। 2 और वेब सीरीज लिख रहा हूँ और डायरेक्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद एक और फिल्म है मेरी हार्ट ब्रेक जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि मैं खुद इसको प्रोड्यूस करेगा मेरा बैनर या बाहर के किसी प्रोड्यूसर के साथ जुड़ जाएंगे, बाकी जो भी बातें ऊपर नीचे चल रही हैं, लेकिन दिखने में तो ये सब पहले आएगा। जो सीनियर आर्टिस्ट्स हैं इनको मैं कई कई सालों से जानता हूँ और ये बहुत मुझे प्यार और इज्जत देते हैं, तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो यंग टैलेंट है इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को इस प्रोजेक्ट पे समर्पण किया है और मुझ पर भरोसा किया है, इसके लिए सबको मेरा अनेक अनेक धन्यवाद और शुभकामनाएं तो है ही हैं, लेकिन नाम लिए बगैर एक एक को तहे दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। बाकी जो हमारी टेक्निकल टीम है, खासकर DOP साहब जिन्हें हम प्यार से नसीम भाई कहते हैं, और बहुत ही पेशेंट, शांत, सब्र वाले, श्रद्धा और सुबुरी वाले जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मुकेश सिंह जी, इनको कोटि कोटि प्रणाम। ये बहुत ही मतलब है ना, इतने इतने बड़े सपोर्ट है एक काम करने वाली टीम के लिए, ये सही मानों में एक लीडर है, तो इन सबको मेरा थैंक यू। बाकी जो क्रू रही है उनको भी बहुत बहुत
थैंक यू, क्योंकि उन्होंने समझ के काम किया, हमारी मजबूरियों को समझा, वक्त को समझा, लॉकडाउन को समझा, हालात को समझा, और फिर भी उन्होंने अपना बेस्ट दिया। तो इन सबको, कास्ट एंड क्रू, टैलेंट, सबको एक बार थैंक यू बोलते हुए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीबडी, आई लव यू ऑल, थैंक यू एवरीबडी।